नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस फिफ्थ नए एपिसोड में। इस पांचवें एपिसोड में मैं बात करूंगा स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, जहां पर मैंने लास्ट टर्न पे छोड़ा था। तो अब स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी में देखिए, पेनिसिलिन जो होते हैं या कोई भी एंटीबायोटिक इन जनरल, दो तरह के बैक्टीरिया पे काम करते हैं। एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव, ठीक, और दूसरे होते हैं ग्राम नेगेटिव। फाइन, आप सब लोग माइक्रोबायोलॉजी की नॉलेज आप सबकी थरो होगी, सेकेंड ईयर में आए हो फार्मा की तो ऑब्वियसली पढ़ के आए होगे। तो ग्राम पॉजिटिव में सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये आ गया कोकाई में, ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड बासिले, ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड बासिले, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई में SSP, ठीक, ग्राम पॉजिटिव कोकाई में SSP, एस से स्टेफाइलोकोकाई, एस से स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस प्लूरल इज कोकाई, सिंगुलर इज कोकस, और पी से न्यूमोकोकस, न्यूमोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ठीक। सो ये हो गए आपके ग्राम पॉजिटिव कोकाई। अब हम बात करेंगे ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई पे। ये ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई को आप याद रख सकते हो CCL, पहला सी क्लॉस्ट्रिडियम, क्लॉस्ट्रिडियम में क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई जो कि टेटनस कॉज करता है, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम जो कि फूड पॉइजनिंग करता है, दूसरा सी कोरिनी बैक्टीरियम डिफ्थेरिया, सो कोरिनी बैक्टीरिया, एल से आपका हो गया लिस्टेरिया, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस, ठीक, ये हो गया ग्राम पॉजिटिव, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे ग्राम नेगेटिव की। अब ग्राम नेगेटिव, तो ग्राम पॉजिटिव खत्म हो गया, अब ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव में भी होते हैं कोकाई और बैसिले, कोकाई एंड बैसिले, ठीक है। तो अब ग्राम नेगेटिव कोकाई में जो एक ही आपको याद करना है जो कि इम्पोर्टेंट है, दैट इज नीसेरिया, नीसेरिया या तो नीसेरिया गोनोरी होगा तो नीसेरिया वो गोनोरिया करेगा जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, या फिर अगर वो मेनिनजाइटिस होगा तो इट विल कॉज मेनिनजाइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस, ठीक है, मेनिंजेस इज अ कवरिंग ऑफ द ब्रेन, ठीक है, उसका इन्फ्लेमेशन कर देगा, ठीक है। सो नीसेरिया मेनिनजाइटिस में आपका हो जाएगा जो मैंने अभी बताया था, मेनिंजाइटिस कॉज करेगा, ठीक है, और नीसेरिया गोनोरिया जो है दैट विल कॉज गोनोरिया। अब ग्राम नेगेटिव बैसिलाई जो होते हैं इसको हम याद करते हैं शीप क्लब से, शीप क्लब, ठीक। अब इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं, एक आता है आपका सैल्मोनेला, ठीक, दूसरा आता है शिगेला, ठीक, एच ई से आप याद रख सकते हो हीमोफिलस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक, या फिर एच ई से एक और आप याद रख सकते हो जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी विच कॉजेस पेप्टिक अल्सर, ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ई से ईकोलाई, पी से दो हैं, एक तो है सूडोमोना, सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा हमें जो डर लगता है जिस बैक्टीरिया से, उसका नाम है सूडोमोनास, वी आर रियली टेरिफाइड एंड स्केर्ड ऑफ दिस सूडोमोनास, ठीक, वी आर रियली टेरिफाइड एंड स्केर्ड ऑफ सूडोमोनास। एंड दूसरा पी है प्रोटीज,
डोमिनोज से हमको बहुत ज़्यादा डर लगता है, वी आर रियली स्केर्ड ऑफ इट, ठीक है। और के से आ गया क्लेब्सिएला, ठीक। सो हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में बात कर ली। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, जो पेनिसिलिन जी है, बेसिकली पहले आपको बता दूँ इसका क्लिनिकल रेलेवेंस क्या है। वी आर बेसिकली कंसर्न अबाउट ग्राम नेगेटिव वैक्सीन, हमें किसी से डर या खतरा नहीं लगता। ग्राम पॉजिटिव से तो बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि हम हमारे पास बहुत सारी आइटम, बेसिकली डरे हुए हैं हम ग्राम नेगेटिव वैक्सीन और GNB से, इसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो इसको नहीं मारा तो क्या मारा। तो जो पेनिसिलिन जी है वो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव को ही टारगेट करती है प्राइमरी, मे बी ग्राम नेगेटिव कोकाई को टारगेट करती है बट इसको नहीं करती है। तो पेनिसिलिन जी ग्राम पॉजिटिव के लिए फ़ायदेमंद है कुछ हद तक, ग्राम नेगेटिव कोकाई के लिए, बट इसके लिए तो कुछ भी नहीं। तो पेनिसिलिन जी एक तरह से इतनी फ़ायदेमंद हमारे लिए नहीं है। तो हमने डेवलप कर लिए एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, जिनका वाइड स्पेक्ट्रम, जो पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव को भी मारे, ठीक है। इसमें आपको जो याद करना है, एक पूरा सिटी का नक्शा हो तो बहुत बड़ा होगा, जैसे भारत, जैसे हमारा शहर है लखनऊ, मैं लखनऊ से हूँ, तो लखनऊ का अगर आप नक्शा देखोगे तो लखनऊ का मैप बहुत वास्ट है। तो ऐसे आप याद रखें तो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, इन पेनिसिलिन का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में एक आता है अमोक्सीसिन, मैंने बताया था द मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड ओरल पेनिसिलिन इज अमोक्सीसिन। दूसरा आता है एम्पिसिलिन, कम दिया जाता है क्योंकि एम्पिसिलिन इंड्यूस्ड ड्रग रैश कर देता है, ठीक है। तो अमोक्सीसिलिन को ज़्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं। CI से कार्बेनिसिलिन, ठीक, कार्बेनिसिलिन। फिर TY से TY से आप लोग याद रख सकते हो टिकारसिन, ठीक। M से आप लोग याद रख सकते हो मेज़िलोसिलिन, ठीक। A से याद रख सकते हो एज़िलोसिलिन, और एक लास्ट P बच गया, उस P से आप लोग याद रख सकते हो पिप्रासिलिन, ठीक, पिप्रासिलिन। सो ऑल दीज आर एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। अब इनके बारे में हम इंडिविजुअली बात करेंगे डिटेल में इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए दिस इज करण कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय।